जब भी हमारे दिमाग में कोई डाउट आता है तो बहुत ही आसान है आजकल किसी भी इंफॉर्मेशन को पाना। हम चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, या फिर किसी अपने से पूछ सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हैं कोई बुक, न्यूज़पेपर का या किसी मैगजीन का आर्टिकल। जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह जो है सेफ इन्फॉर्मेशन को ठीक कहा गया है और दूसरी जगह उसी को गलत। तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, काश कोई एक्सपर्ट होता जो हमें सही राय दे सकता। तो आज दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि डॉक्टर राजीव शर्मा क्या कहते हैं डिप्रेशन के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और कैसे बाहर निकला जा सकता है डिप्रेशन से। जब भी कोई इंसान थोड़ा परेशान रहता है या स्ट्रेस रहता है तो उसके घर वाले सोचते हैं या फिर वो खुद भी सोचता है कि वो डिप्रेशन में है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि डिप्रेशन के जो है 9 सिम्टम्स होते हैं, और अगर किसी इंसान को लगातार जो है एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए 5 सिम्टम रहते हैं तभी हम कह सकते हैं कि उस इंसान को जो है डिप्रेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूड की। इसमें ज़्यादातर जो है इंसान का मूड जो है उदास रहता है, उसको उदासी लगती है। जाहिर है डिप्रेशन है तो मन तो उदास होगा ही। काफ़ी बार जो है इंसान का रोने का मन भी करता है। फिर उसके बाद उसका हर चीज़ में जो है इंटरेस्ट कम हो जाता है। जो चीज़ें पहले उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब उन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। चाहे वो कोई खेल हो, या फिर किसी ड्राइव पे जाना हो, या फिर शॉपिंग ही करना हो, या फिर किसी अपने के साथ बातें, या फिर किसी के साथ मूवी देखना, ये सब चीज़ें जो हैं उसको पहले अच्छी लगती थी पर अब इन चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो मेडिकल टर्म्स में इस कंडीशन को एनीडोनिया कहते हैं। इससे एपेटाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई लोगों का एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई लोगों का जो है एपेटाइट कम हो जाता है। कई लोगों को बहुत ही भूख लगती है और कई लोगों को है कुछ खाते ही वॉमिट आ जाती है। इसमें काफ़ी लोग जो हैं जिनको भूख लगती है वो इमोशनल ईटिंग भी करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे उनको हो जाती है कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें जो है उनकी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है और उनको खाने के जो है ख्याल आते हैं, खाने के विचार आते हैं, और खाने की चीज़ें भी ऐसे आती हैं दिमाग में जैसे आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स जो मीठी होती हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग तो होते तो डिप्रेस्ड हैं पर उनका वेट बढ़ जाता है, तो उनको लगता है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि ऐसे तो डिप्रेशन में है पर जो है मोटा ही होता जा रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंट के साथ ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद स्लीप, इन काफ़ी लोगों को जो है नींद बिल्कुल कम हो जाती है, वो बड़े बेचैन रहते हैं, उनको जितनी भी कोशिश कर ले नींद नहीं आती। अगर वो पहले 10 घंटे सोते थे तो अब वो 7 या 8 घंटे ही सोते हैं और वो भी रेस्टलेस फील करते हैं। तो अगर वो पहले जल्दी लेट उठते थे तो अब वो उससे थोड़ा जल्दी ही उठ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और सिमिलरली कोई कोई पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, उनका हर वक्त सोने का मन करता है, हर वक्त जो वो सोते रहते हैं पर फिर भी उसके बावजूद भी वो फ्रेश फील नहीं करते। तो ये दोनों ही सिम्टम्स हो सकते हैं स्लीप के लिए भी। फिर साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब दिमाग की और फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी। जब भी किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जो हैं कम हो जाती हैं, मतलब बॉडी की मूवमेंट जो हैं कम हो जाती हैं। वो अपने कंधे झुका के करता है काम, अपनी गर्दन भी झुका के रखता है और कोशिश करता है कि वो कितनी कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे जब भी वो कहीं जाए या कब भी बैठे। और ऐसी स्टेज आती है जिसको कहा जाता है थॉट रिटार्डेशन, मतलब जो पेशेंट है उसको लगता है उसके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, उसकी बिल्कुल ब्लैंक हो गया माइंड। और दूसरी तरफ किसी इंसान की बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता, उसको एकदम इसके दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल होती है। तो दोनों ही तरीके के सिम्टम्स जो हैं देखे जा सकते हैं।
फिर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई लोगों को। नॉर्मल जो काम वो पहले करते थे बड़े आराम से, अब उसको उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर कोई पहले 5 किलोमीटर वॉक कर लेता था तो अब उसको 1 किलोमीटर वॉक करने में भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है। नॉर्मल जो डेली बेसिस के ऑफिस जाना या कोई काम करना उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो काम करना पड़ता है। गिल्ट की फीलिंग भी आ जाती है कई लोगों को, उनको लगता है कि जो भी उनके आसपास अगर कुछ गलत हुआ है तो वो ही कारण है उस गलती का। वो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं और उनको बहुत होपलेसनेस लगता है। मतलब उनको लगता है कि कुछ अब अच्छा हो ही नहीं सकता, सब खराब हो गया, तो उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। खुद को वर्थलेसनेस, मतलब उनको लगता है कि उनका किसी को फ़ायदा ही नहीं है, उनका रहना ना रहना जो है बराबर ही है। फिर कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है काफ़ी केसेस में, एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते। अब ये थोड़ा सा हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कई जो लोग हैं सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं खुद को, मतलब वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। काफ़ी बार कोई कोई पेशेंट जो है अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे सुसाइड के ख्याल आते हैं, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट बात करता है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और जो है कोशिश करें कि फटाफट जो है मेडिकल डॉक्टर के पास ले जाएँ या फिर किसी अस्पताल में ले जाएँ, जिससे कि है उसको पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा सके। वैसे तो विदाउट अगर किसी ज़्यादा दवाई की अगर कोई रहता है तो वो 6 से 13 महीने में नॉर्मली ठीक हो जाता है, पर किसी केसेस में अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़ सकता है। और अगर कोई पेशेंट जो है दवाई ले लेता है तो वो जल्दी ही 1 या 2 महीने में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। तो अगर हम डॉक्टर के हिसाब से जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन देता है तो घर वालों को पूरी हेल्प करनी चाहिए पेशेंट की, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। तो दोस्तों ये तो थी बातें डिप्रेशन की। ब्यूटीफुल माइंड एकेडमी लाता रहेगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को पूरी जानकारी रखना तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय, थैंक यू।